तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स बीए सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन पेपर, पूछा गया 2019 का है। ठीक है, तो जिन लोगों ने हिस्ट्री ऑनर्स रखा है, असल में अंतिम सेमेस्टर है आपका और यह है आपका कोर पेपर, इसे आप बोल सकते हैं 13 या फिर सेमेस्टर 6 का पहला पेपर। ठीक है, कोर पेपर 13 या सेमेस्टर 6 का पहला पेपर। समय 3 घंटे होते हैं और आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटियों में सेम होते हैं, मार्क्स अलग अलग होते हैं। अब आइए देखते हैं। तो आपका ग्रुप ए, बी और सी में बांटा गया है। ग्रुप ए आपका कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है, और ग्रुप ए आपका 20 नंबर का है। 20 नंबर में आपका पहला जो है 1 का A, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को या ग्रुप ए को 2 भागों में बांटा गया है। ए भाग में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, उसके बाद 5 अंकों वाले 2 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को। पहला है आपका राधा कृष्ण कमीशन किस वर्ष में गठित किया गया था। द राधा कृष्ण कमीशन वाज फॉर्मेड इन विच ईयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सच पूछिएगा तो मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, इसे आप स्वयं गूगल कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो आपका जो यह अधिनियम था, विश्वविद्यालय अधिनियम, यह पास हुआ था 1904 में। कब? 1904 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी नंबर क्वेश्चन यह है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो यह हुआ था आपका 1784 ईस्वी को स्थापना, कलकत्ता में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न है कि आनंद मठ जो लिखा गया है, आनंद मठ एक किताब है, किसके द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ वाज रिटन बाय, तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है आनंद मठ, और बांग्ला भाषा में मूल रूप से लिखा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, ई नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय, तो राजा राम मोहन राय जो थे, इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, और यह एक बुद्धिजीवी वर्ग का संघ था जिसमें लोगों को शिक्षा, सती प्रथा, इन सब के विरुद्ध काम करने का अवसर मिला था। एफ नंबर देखते हैं, वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था। बैक टू वेदास हु सेड, तो यह कहा था आपका दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी नंबर, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था, कौन था। द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ आपका सिपाही विद्रोह जब हुआ था तो इस समय था आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ब्रिटिश सांसद ने कब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। वेन डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। तो यह पास हुआ था दोस्तों आपका 18 जुलाई 1947 मुझे डेट कंफर्म याद नहीं आ रहा है, बस 1947 था, जुलाई 1947। ठीक है, अगला देखते हैं आई नंबर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसके समय में सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद उस पद को समाप्त कर दिया गया। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें लिखेगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, राजगोपालचारी अंतिम वायसराय थे, अंतिम वायसराय थे और भारत के आदमी थे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने कहा जाता है, और शॉर्ट में सीआरदास कहा जाता है। नहीं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी नहीं, नहीं, सीआरदास कोई दूसरे आदमी है। जे नंबर है हमारा प्रश्न, भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया, तो किसने पेश किया था। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो जो यह इंट्रोड्यूस किया गया था, वह किया गया था प्रधानमंत्री एटली। और ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन, जिसे आप इंग्लैंड भी बोलते हैं या फिर यूनाइटेड किंगडम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 1 का B, इसमें 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, और 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे बोला गया है कि 50 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, किन्हीं 2 पे ही लिखना है। पहला है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर 1857 के विद्रोह के प्रभाव बताइए।
डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। बी नंबर है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस और उनके आज़ाद हिंद फौज की भूमिका क्या थी वो बताना है। रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड हिज इंडियन नेशनल आर्मी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। सी नंबर है आपका, स्त्री शिक्षा के बारे में लिख सकते हैं। डी नंबर है दादा भाई नरोजी, जो कि भारत के युग पुरुष कहे जाते हैं, उनके बारे में भी लिख सकते हैं। चार में से किन्हीं दो का ही आपको आंसर लिखना है। अब शुरू होता है ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका 60 नंबर का है, ग्रुप ए था 20 नंबर का, ग्रुप बी 60 का, कुल मिलाकर 80 नंबर हो जाते हैं। और ग्रुप बी के आपको चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 15 मार्क्स का है। कुल यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 8 है ना, 8 में से आपको चार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, चार को आप चुन लीजिए। और प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स का है और इसका उत्तर आपको लिखने हैं कितने वर्ड्स में, मिनिमम 450 वर्ड, और 300 वर्ड मिनिमम तो लिखना ही है दोस्त, उससे कम नहीं लिखिएगा, और मैक्सिमम आप 600 लिखिएगा, और 600 से ज़्यादा नहीं लिखिएगा। तो पहला है प्रेस के विकास तथा स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका का वर्णन करें। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा प्रश्न है 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय की देनों का वर्णन करें। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय टू इंडियन। जब आपका पुनर्जागरण का समय आ गया, ठीक ना, तो उस समय में जैसे कि बहुत सारे चीज़ दिए थे, जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई स्त्री को आप विधवा विवाह को दो बार कर सकते हैं यार, और स्त्री को जलाना नहीं है जब उसके पति डेथ कर जाता है, उस समय सती प्रथा को रोक लगाना है, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तभी जा करके वो जो ब्रिटिश क्या था यार, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तभी ने रोका था, और राजा राम मोहन राय के ही जोर पे रोका था, ठीक ना, तो इसको बताना है। अगला है सर सैयद अहमद खां के जीवन एवं कार्यों का मूल्यांकन करें। गिव एन एस्टिमेट ऑफ द लाइफ एंड वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान। तो बताइए सर सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे आप ALU कहते हैं, जो कि यूपी में है, अलीगढ़ में, उसकी स्थापना किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, और यहाँ पे जाति व्यवस्था को उन्होंने नकारा है, ठीक ना, इन सब चीज़ों को बताना है। अगला है पांचवा प्रश्न, 19वीं शताब्दी के भारत में शिक्षा के विकास का वर्णन करें। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ एडुकेशन इन इंडियन ड्यूरिंग द 19th century। तो इसी समय में भारत में शिक्षा का विकास शुरू हो गया था, 19वीं शताब्दी मतलब कि 1800 ईस्वी के आसपास, ठीक है। अगला है 1857 के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। डिस्कस द क्यूजेस ऑफ द रिवोल्यूट ऑफ 1857 सॉरी रिवोल्यूट बोल रहे हैं रिवोल्ट है आपका। सेवन नंबर है आपका, लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति का विवरण प्रस्तुत करें। गिव एन अकाउंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन। एट नंबर है भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख करें। डिस्कस द एक मिनट की गई ठीक आ रही है हाँ तो चलिए डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एज प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के जो जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनको बताना है कि 11 मूल कर्तव्य हैं, कौन कौन से हैं, उनको भी डिस्कस कर दीजिए। नाइन नंबर है आपका, 1935 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे एफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है, ठीक ना, मूल रूप से संविधान जो बोलिएगा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का आधा संविधान लगभग इसी से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम के अधीन प्रांतीय स्वायत्तता की मुख्य विशेषता क्या थी, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द प्रोविंस, क्या है जी, प्रोविंशियल एटोनॉमी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों भारतीय संविधान का मूल भाग, जो बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही चेंज करके लिख दिया गया है, इसलिए हम लोग कहते हैं इनका या संविधान क्या बोलेंगे यार, अब संविधान को मूल रूप से बहुत सारे देशों से लिया गया है, कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, समय के साथ हर चीज़ बदलाव होता है। तो ये था आपका
सेमेस्टर 6 का पहला पेपर या फिर कोर पेपर 13 आप बोल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो, चाहे पीजी का, चाहे एमए का, चाहे ग्रेजुएशन का, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही आपके कोई दोस्त हो तो प्लीज़ उन तक शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।